हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्क्रू जैक की असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये हमारी ये कास्टिंग है, मेन कास्टिंग जिसे मेन बॉडी भी कहते हैं, ये ड्रॉ करना है। इसमें हमारा एक नट भी लगा हुआ है जो मेन कास्टिंग के साथ पहले से असेंबल्ड है, ये नंबर टू। ठीक है, ये बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद हमें ये स्क्रू बनाना है जो कि इसके अंदर फिट होगा। फिर स्क्रू के ऊपर हमारा ये कप लगेगा। फिर जो हमारा कप होगा उसको जो हमारा स्क्रू है उससे असेंबल करने के लिए, टाइट करने के लिए हमारा यहाँ पे सेट स्क्रू है जो कि हमारे ये वॉशल के साथ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारा स्क्रू है इसमें ये होल है जिसमें हमारी ये टॉमी लगेगी या बार जिसे कहते हैं वो लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा असेंबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस लाइन खींच रखी है। सबसे पहले नीचे से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे। बेस की हमारी लेंथ कितनी है, 140 का डाया है। ठीक है, और हाइट कितनी है, 20 की। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 140 का हाफ हमारा कितना हो गया, 70, लेफ्ट साइड 70, राइट साइड 70 एमएम हम ले लेते हैं। ठीक है, 140 एमएम हो गया हमारा। ऊपर की हाइट हमारी कितने की इवन थी, हमारी थी ये 20 एमएम थी हमारी। ठीक है, तो मैं इसको 20 एमएम ऊपर ड्रॉ करता हूँ दोनों साइड से, साथ में हम मैं इस साइड से भी ड्रॉ कर देता हूँ। 20 एमएम हो गई। अब जो हमारा ये है इन दोनों लाइन को मिला देता हूँ। ये हमारा बेस रेडी हो गया जैसा इसमें है। अब इसमें हमारा एक रेसेस दिया हुआ है, वो कितना है उसका डाया, डाया हमारा 100 एमएम का है और डिप है 3 एमएम का। मींस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 100 एमएम की है डाया, और इसमें डिप हमारा कितना है, ये डीप कितना है हमारा, मतलब ये हमारा 3 एमएम का डीप है इसमें। तो मैं 100 एमएम डाया लेके इसे ड्रॉ करता हूँ, मतलब 50 एमएम इधर लेफ्ट साइड, 50 एमएम राइट साइड मार्क करता हूँ पहले। तो ये 100 एमएम का डाया ड्रॉ हो गया। अब इसको 3 एमएम तक ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मार्क कर लिया मैंने, और इस साइड से भी मैं मार्क कर लेता हूँ, मार्क कर लिया। अब जो ये दो मार्क पॉइंट है इसे मैं मिला देता हूँ। ठीक है, लाइट पेंसिल से भी यूज करना है, इसे डार्क लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये मिला दिया हमारा, ये रिसेस बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ये मेन कास्टिंग है उस पर जो यहाँ पे ये जो कोन शेप बना हुआ है, कोन शेप की तरह उसका नीचे का डायमीटर कितना है, 100 एमएम का है ये वाला, 100 एमएम का डाया है यहाँ से यहाँ तक। इसको पहले मार्क कर लेते हैं हम। तो इस 100 एमएम को हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर का डाया कितना है हमारा, बाहर से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा 65 एमएम का है। ठीक है, 65 एमएम, लेकिन हम डायरेक्ट इसे 65 एमएम का ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, उसकी हमारी कुछ हाइट है 125 एमएम। पहले मार्क करते हैं हम यहाँ से, इस पॉइंट पे हमने अपना प्रोटेक्टर रखा, ड्राफ्टर रखा अपना या कुछ भी हो अपना, और 125 एमएम पे यहाँ पे मार्क कर दिया इसे। ठीक है, 125 एमएम पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है 125 एमएम। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 65 एमएम का डाया ड्रॉ नहीं करेंगे, जो स्लेंट बनाने के लिए है हमारा, मीन्स हमारा जो कौन शेप में क्या है इसका छोटा डायमीटर, उससे पहले हम ये 75 वाला ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 75 मैं मार्क करता हूँ, 75 का हाफ इधर, 75 का हाफ उधर, मीन्स 37.5 लेफ्ट साइड, 37.5 राइट साइड, तो 75 का डाया हो जाएगा अपने आप। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए ड्राफ्टर सेट किया और ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, हमारा ये ड्रॉ हो गया, 75 का डाया हमारा ये। अब हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 65 का डाया, 65 का हाफ करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे इस लाइन पे। 65 का हाफ हमारा कितना आया, 32.5 आया। ठीक है, तो मैं मार्क करता हूँ, तो उसके लिए ड्राफ्टर सेट किया और इसको मार्क कर दिया हमने। ये पॉइंट हमें मिल गए, ये यहाँ से यहाँ तक का डाया हमारा कितना है,
65 mm का, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना है 75 mm का डाया है, ठीक है। तो हमारा जो ये 65 mm वाला डाया है, हम जो हमारा फिर उसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, जो कि इस ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है हमारा, ये हमारा 100 mm का डाया है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट मिलाते हैं। तो हमने ड्राफ्टर सेट किया और इस पॉइंट पे से हमने दूसरी जो 65 mm का डाया हमारा उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेम एज इस साइड को इससे मिला देते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारा ये हमारा 100 mm वाला डाया है जिसके हमने स्लैंट खींचा है, कौन से में बनाया है उसको 65 mm के जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाया है इससे मिलाया है, लेकिन वो फिर यहाँ पे कर्व कर दिया है 75 mm वाले डाया में। मीन्स हमें जो ये वाला हमारा ये कर्व है, इसको ऐसे कर्व बना देना हुआ है, फिलेट बनाना हुआ। तो हम इसको फ्री हैंड मिला देते हैं इससे, और फिर इसको बाद में डार्क करेंगे इतनी ही डिस्टेंस से, ठीक है। ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये ऊपर बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स के शेप का है जो 40 mm का है, ठीक है। ये हम ये जो ये बनाएंगे, फिर इसके बाद हमें ये चीजें हम बाद में बनाएंगे, जो ये इंटरनल लगा हुआ है, ये जो डैश डैश दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 mm का जो है, ठीक है। तो बोथ साइड से हम यहाँ से उठा देते हैं हम इसे 40 mm ऊपर, ठीक है। तो हमने ऊपर इसे 40 mm ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें ये ड्रॉ करना है जो सेकंड नंबर नट है यहाँ पे, इसमें मेन कास्टिंग में ये इसको ड्रॉ करना है यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी डिस्टेंस डायमीटर हमारा कितना है 88 mm, जो कि जो 40 mm वाली ऊपर लाइन खींची उस पर ड्रॉ करना है। मीन्स इसकी ऊपर वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक में हमें 88 mm का डाया ड्रॉ करना है, मीन्स 44 इधर 44 उधर। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ड्राफ्टर सेट करके, 44 पे ड्राफ्टर सेट किया और इसको ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ हो गया। और इसकी ऊपर हाइट कितनी है हमारी, इसकी है हमारी 9 mm की हाइट है, ठीक है, 9 mm। तो ऊपर 9 mm में ड्रॉ करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ रेक्टेंगल। तो ये 9 mm हमने ऊपर ड्रॉ करके लाइन को मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 9 mm ऊपर करके इसे मिलाया है, इसके ऊपर भी हमारा एक डाया है जो नट को नट का है, वो है 50 mm का, ठीक है। वो भी हमारी कितनी हाइट पे है, 9 mm हाइट है उसकी भी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी भी हाइट 9 mm है हमारी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 9 mm ऊपर ड्रॉ करते हैं, पहले 50 mm मार्क करेंगे हम, ठीक है। 50 mm का हमारा कितना हो गया, 25 mm लेफ्ट साइड, 25 mm राइट साइड, ठीक है, हमने मार्क किया। और इसको 9 mm ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब ये भी हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया पूरा, जो ये था हमारा शेप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारा ये था पोर्शन, इसको हम कर्व कर देते हैं, इस पर फिलेट मार देते हैं दोनों तरफ, फ्री हैंड मार दें, या फिर आपको अगर कंपस से मारना है, या फिर आपको सर्कल मास्टर से मारना है तो आप उससे कर दें, सर्कल मास्टर से मारें तो ज़्यादा अच्छा है। सर्कल मास्टर हमने यहाँ पे रखा और इसको ड्रॉ कर दिया हमने इस लाइन से ऐसे होता हुआ, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ हो गया हमारा, दोनों तरफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। और जैसे फिलेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वैसे ही हम यहाँ पे जो हमारा ये रिसेस था इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक साइड में ही ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमें ये जो हमारा ये अंदर का पार्ट है ये ड्रॉ करना है, जो ये लाइन गई हुई है यहाँ तक, जिसका डायमीटर 50 mm है, वहाँ पे टच हो रही है दोनों साइड से, इस साइड से हिडन, इस साइड से डायरेक्ट डार्क, ठीक है। इसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर की चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने ये हमारा स्लैंट गया है लाइन,
इसके ही पैरेलल इसे बनाना है हमें, तो हम इसे मेजर कर लेते हैं और ड्राफ्टर हमने इसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। और इसके और दूसरी लाइन के बीच में हमारा गैप कितना है 9 mm का, तो 9 mm हम इसे मार्क करते हैं। ये हमने 9 mm पे इसे सेट किया और इसे मार्क किया और फिर इसे नीचे से ऊपर तक लाइट पेंसिल में ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको हमने ऐसे ऊपर तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सेम एज इस साइड भी हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ऊपर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग सेट करके ऐसे। ठीक है, और 9 mm का गैप इधर भी होगा। तो हमने ड्राफ्टर सेट कर लिया और इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन इधर हिडन लाइन के थ्रू हमें दिखाना है क्योंकि हम इस साइड हाफ सेक्शन व्यू बना रहे हैं, हाफ सेक्शनल व्यू बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो हमारा ये साइड से भी ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये 50 mm का जो डाया है वो ड्रॉ करना है, उसकी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, जो एक यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे हिडन है जहाँ पे सेक्शन नहीं दिखाई हुई है, और ये जिस साइड हाफ सेक्शनिंग दिखाई हुई है राइट साइड में, उधर ये डार्क आएगी। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें कैसे करना है कि हमने तो ये स्लेंट है ये पूरी लंबी खींचनी है। ठीक है, हमें नहीं पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है। ठीक है, बस ये 50 mm का हमें डाया दिया हुआ है, तो इसको ड्रॉ करने की ट्रिक ये है कि आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है कि मीन्स इसको 50-50 बांट लो, और जो ये वाली पॉइंट है हमारी, ये वाली लाइन जो स्लेंट ऊपर गई है और ये वाली गई है, ऐसे एक पॉइंट पे आके ये आपस में 50-50 बढ़ जाएगी अगर हम इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, देखा कितनी इजीली ड्रॉ हो गई हमारी ये लाइन, जिसकी डायमेंशनिंग नहीं दी थी। ये हमारी जो ड्राइंग है वो पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन जो हमारी हाफ साइड में लाइन है ये हिडन थी, तो इसको हिडन लाइन के थ्रू शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, फिगर में देखेंगे, जो ये 50 mm का डाया था हमारा जो हमने ये ड्रॉ किया है, इसके ऊपर से ऊपर तक यहाँ तक मिल रही है लाइन। ठीक है, और इधर से भी डार्क मिल, इधर से डार्क मिलेगी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हिडन, तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अब क्या करेंगे हम, हमें कौन कौन सी लाइन यहाँ पे मिटानी है। इस लाइन को हमें हिडन के थ्रू शो करना है और इस लाइन को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिटा देना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ। तो हमने ड्रॉ कर दिया, सो ये लाइन को हमने हिडन शो कर दिया और इस लाली लाइन को भी हिडन शो कर दिया। ठीक है, जिसको हमें इरेज करना था, तो आप इसे चाहे इरेज कर सकते हैं या चाहे हिडन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी एक लाइन होगी सेम, क्योंकि ये नट का पोर्शन है। तो मैं वीडियो को जो मतलब डायग्राम को ज़्यादा बेकार न करने के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम दोबारा से इसे देखेंगे और इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इधर लेफ्ट साइड हमें हिडन और राइट साइड डार्क। ठीक है, जो कि ये नट का है हमारा पोर्शन, तो ये कितना है 45 mm ऊपर से, मीन्स यहाँ से नीचे 45 mm पहले मार्क करते हैं। 45 mm ड्राफ्टर की हेल्प से हमने मार्क किया, यहाँ पे आया और इसे कैसे करेंगे, इस साइड तो हमने डार्क कर दी और इस साइड हिडन। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रॉ। अब इसके बाद हमारा ये मेन कास्टिंग बन गई, अब इसमें हमें स्पिंडल फिट करना है। ठीक है, तो स्पिंडल फिट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट इस पॉइंट से इसका थ्रेड बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे 20 mm ऊपर मार्क करते हैं। सबसे पहले 20 mm ऊपर हमने इस पॉइंट से मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर थ्रेड भी दिखाना है, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब क्या करना है, हमारे यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की क्या लेंथ हमारी, ये हमारी 165 mm है। ठीक है, 165 mm है, तो 165 mm हम नीचे मार्क करते हैं वहाँ से। तो ड्राफ्टर इतना बड़ा नहीं है साइड का ये, तो ये हमारा कितना था, ये हमारा 150 mm है यहाँ तक, और इससे नीचे 150 mm प्लस कितना हमारा 15 है ना,
तो हो गया 165 mm, यहाँ पे हमारा मार्क हो गया ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमारा मार्क हो गया। अब इसका हमारा डायमीटर कितना है, इसका हमारा डायमीटर है 40 का, तो 40 का डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 40 का डायमीटर ड्रॉ किया, अभी लाइट पेंसिल से काम करना, ठीक है। अब इस डायमीटर को हम ऊपर तक ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट तक। तो हमने 40 mm इसे मार्क किया और 40 mm तक की एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस लाइन को इस पॉइंट तक हम ऊपर तक ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड हम हिडन पेंसिल से बनाएंगे, हिडन लाइन से बनाएंगे, और इधर डार्क से, ठीक है। लेकिन अभी लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर देना है ऐसे ऊपर। तो मैं बनाता हूँ, तो हमने इसे नीचे से 40 mm का डायल लेके ऊपर तक ड्रॉ कर दिया। अब जो पॉइंट है, इस पॉइंट को की रेफरेंस में हम इसे मिला देते हैं, हमने इसे मिला दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा स्पिंडल है, मींस जो हमारा ये स्क्रू है, इसको ऊपर से ऊपर तक ड्रॉ करते हैं पूरा पोर्शन, यहाँ से इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है वो सेम है इसकी तरह है, तो ये 9 mm है। तो इस पॉइंट से हम ऊपर 9 mm पहले मार्क करते हैं, इस पॉइंट से हमने 9 mm ऊपर मार्क किया, 9 mm पे और मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, 65 mm का डाया है ये, ठीक है। तो 65 mm हमने ड्रॉ किया, 65 mm कितना हो गया, 32.5, ठीक है। हाफ इस साइड 32.5, हाफ दूसरी साइड, ठीक है। तो हमने इसे 65 ड्रॉ कर दिया, और जो इसकी इसकी हाइट है हमारी 50 mm, ऊपर लेके चलते हैं 50 mm, ऊपर हमने इसे ड्रॉ कर दिया, और 50 mm हमने इसे ऊपर इधर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, और जो हमारी ये पॉइंट है हमारा, इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसे ऐसे मिला दिया, ठीक है। फिर दोबारा नीचे आते हैं, जो ये लाइन है इसको इससे मिलाते हैं, जो ये लाइन है इसको इससे बनाते हैं, अपने आप ही इसका ये 45 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसे मिलाने से पहले यहाँ पे इसका डायमेंशन ऊपर गिवन है, सॉरी, यहाँ पे 45 डिग्री का 45 डाया दे रखा है, इसकी लेंथ सेम है नीचे वाले की भी होगी, तो मैं 45 आगे तक इसे बढ़ाता हूँ। 45 का कितना हो गया, 22.5 लेफ्ट साइड, 22.5 राइट साइड, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसको यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ हो गया, अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, साइड से, और इसको इट साइड से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें जैसे हमने नीचे ड्रॉ किया ऐसे ऊपर भी ड्रॉ करना है, क्योंकि 9 mm का गैप इधर भी है और ये भी 45 mm है। तो जैसे ये वाली पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है, ऊपर वाली भी 45 होगी, और गैप यहाँ से लेके यहाँ तक 9 mm का होगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देना, इस पॉइंट को इससे ऐसे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ उसे, तो इसको हमने इतना यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमें ये सर्कल नहीं बनाना, लेकिन इसको हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि जब हैंडल लगेगा तो सर्कल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं, ये 50 mm है, तो मीन्स इसके सेंटर पे वो है ये, ठीक है। तो मतलब 50 mm का हाफ कितना हो गया हमारा, 25, ठीक है। तो इसको हम एक एक्सिस लाइन ऐसी छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं, ताकि बाद में इसकी हैंडल बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसके बाद स्क्रू में हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया 25 दे रखा है, जिसकी हाइट 10 है, ठीक है। सबसे पहले फिर क्या करते हैं, 10 mm ऊपर मार्क करते हैं, 10 mm हम ऊपर इससे मार्क करते हैं, और 25 का डाया ड्रॉ करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो फ्रेंड्स हमने 25 का डाया का पॉइंट मार्क कर लिया है, 12.5 यहाँ से यहाँ तक, 12.5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, और यहाँ से यहाँ तक 25 mm। अब इसके बाद
इसको लाइट पेंसिल से हम मिला देते हैं बिल्कुल ऐसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे स्क्रू बन चुका है ठीक है, लेकिन अब हमें स्क्रू में जो हमारा ये इंटरनल थ्रेडिंग है ये दिखाते हैं, ये होता है 0.8D, तो डी हमारा 40 है तो 0.8D हमारा हो गया 32 ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 32 पे, एक मार्क हमने यहाँ लगाया, एक मार्क हमने यहाँ लगाया ठीक है। अब इसके पैरेलल पूरे नीचे तक लाइन खींच देते हैं, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से नीचे तक हिडनली, ठीक है ऐसा दिखा दिया। अब इस तरफ इस पॉइंट से जो हमारा ये पॉइंट है इसे विजिबल लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लाइंस हैं हमें जो हमें मिटानी है जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन सी है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा देना, ये सारी यहाँ से यहाँ तक, इसको भी ठीक है, इस लाइन को भी मिटा देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को भी मिटा देना, बस यहाँ से यहाँ तक इसे डार्क कर देना ऐसे ठीक है, पूरी मिटा देना इसे यहाँ तक, और इसे भी ठीक है, इस साइड से भी ऐसे ही मिटा देना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की थी पहले क्योंकि इससे आपको क्लियरली समझ में आता कैसे क्या ड्रॉ करना है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो कौन सी लाइन मिटानी है कौन सी नहीं, तो आपको पता होगी, आप डायरेक्टली उसे ड्रॉ कर सकते हो ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ जो भी मैंने मार्क किया है, तो हमने सारी लाइंस मिटा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा ये स्क्रू है इस पे जो ये थ्रेड कटे हुए हैं ये ड्रॉ करेंगे ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम ड्राफ्टर को सेट करेंगे, कोई भी एक एंगल ले लिया हमने, मींस हमने 20 डिग्री ले लिया ठीक है, 20 डिग्री ले लिया, 50 ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक 10 डिग्री ले लिया, 10 डिग्री बेस्ट एंगल होता है इसके लिए ठीक है, 10 डिग्री ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे और एक लाइन खींचेंगे ठीक है, हाफ तक, हमें इधर नहीं खींचनी क्योंकि इधर इधर से सिर्फ ऊपर ऊपर हमारा दिखेगा ठीक है, नीचे का हमें नहीं ड्रॉ करना होगा, थोड़ा सा दिखाना होगा अपना थ्रेड, और नीचे थोड़ा दिखा देंगे, हमारा एक कन्वेंशन शो करने का एक मेथड होता है हमारा ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद इसके बीच में जो हमारा ये गैप है ये कितना होगा, ये हमारा पता चलेगा यहाँ से, ये 6 mm दे रखा है, 40 into 6 मतलब 6 mm का पिच है हमारा, तो हम थ्रेड की जो मोटाई है वो भी हम 6 ले लेते हैं ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे 6 का गैप रखा ड्राफ्टर में सेट करके, और इसको यहाँ तक मिलाया ठीक है। फिर हमने गैप दिया इसमें जो हमारा ये कटा हुआ है, इसके इसके बाद जो ये कट छोटा हुआ है ठीक है, ये हमारा इतना छोड़ दिया 6 mm का, 6 mm का छोड़ने के बाद गैप यहाँ से, फिर से हमने इस पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दिया, फिर इसके बाद 6 mm का हमने यहाँ पे गैप दिया और इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ से सिर्फ यहीं तक सेंटर तक ठीक है, क्योंकि नीचे का अब हमारा हिडन लाइंस होगी। अब जो इसको डार्क कर देंगे ठीक है, मैं करता हूँ इसे डार्क, तो हमने इसे ड्रॉ करके डार्क कर दिया। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको जो नीचे का कन्वेंशन भी दिखाना होता है हमें, हम वहाँ पे दिखा देते हैं ठीक है, वहाँ पे दिखा देते हैं हम, बस समझ में आना चाहिए आपको। सेम जो हमने एंगल सेट किया था 10 डिग्री का वो मार्क किया, लेफ्ट साइड हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड हिडन है, तो वहाँ पे ड्रॉ करना फायदेमंद नहीं है ठीक है, क्या फ़ायदा, ड्राइंग खराब होगी। तो हमने यहाँ से इसे मार्क कर लिया पहले, फिर इसके बाद क्या किया, 6 mm का गैप लिया ड्राफ्टर में यहाँ पे, और इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इस वाली लाइन को हमें डार्क करना है ठीक है। अब इसके बाद जो 6 mm का हम गैप देंगे ना, ये हमने गैप दिया 6 mm का, वो लाइन हम सिर्फ यहीं तक ड्रॉ करेंगे माइनर तक ठीक है, ये मेजर होता है ये माइनर होता है, मेजर डाय माइनर डाय तक। फिर इसके बाद जो हम 6 mm का गैप देंगे
वो मेजर डाया तक ड्रॉ करेंगे, मेजर से मेजर तक इस साइड तक, ठीक है, लेकिन हम मेजर तक, फिर इसके बाद फिर हमें मेजर तक ही ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं करता हूँ, ठीक है, ये जो गैप था हम इसको भी यहाँ तक पूरा मिलाना है, ठीक है, फिर इसके बाद फिर 6 mm का हमें गैप ले लेना है, मेजर मेजर ही करना है, माइनर सा भी नहीं करना, ठीक है, फिर इसको भी हम लास्ट में मेजर से मेजर तक कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब इसके बाद आप देखना क्या करना है, हमें ड्राफ्टर को सेट किया हमने, ठीक है, ड्राफ्टर सेट किया, पहले मेजर यहाँ पे कर दिया, फिर इस वाले पे नहीं करना, हमें सेकंड वाले पे करना है, ये बात कर रहा था मैं माइनर पे, फिर ये इस पे कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, माइनर माइनर पे से लाइन खींच दी है, माइनर वाले को माइनर से डार्क, फिर एक छोड़ के माइनर डार्क, फिर ये नीचे वाला माइनर डार्क, ठीक है, ऐसे हो गया हमारा थ्रेड, ठीक है, इसको डार्क कर देता हूँ, और तो हमारा ये थ्रेड बन गया। आप चाहें तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऐसे थ्रेड बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम कम होता है। अब इसके बाद हम 45 डिग्री पे एंगल सेट करेंगे हैचिंग के लिए, एक साइड जो ये हमारे ये साइड है, ठीक है, इसको हैच करेंगे कहाँ तक, पूरे हम अपने ग्राउंड तक करेंगे, ठीक है, तो ये हैचिंग हमने सेट कर लिया है। अब इसको हम हैच करते हैं, एक बार हमने इस पॉइंट पे ऐसे मार्क लगाया, फिर इसको इस पॉइंट पे, फिर इसको इस पॉइंट पे ऐसे, फिर इसको ऐसे 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 करके पूरा नीचे तक मार्क कर लेते हैं, हैच कर लेते हैं। तो ये हमारी हैचिंग हो गई। अब इसके बाद ड्राफ्टर को दूसरी साइड 45 डिग्री पे सेट करेंगे, ऐसे सेट कर लिया, और जो हमारा ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक हैच कर देते हैं पूरा इसमें, ठीक है, तो हमारी ये हैचिंग भी हो गई। अब इसके बाद हम इसमें आगे का काम करना है, देख करते हैं, तो इसके लिए ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें कप फिट करेंगे, कप का डायमीटर कितना है हमारा यहाँ पे नीचे 45 mm है, ठीक है, जो कि हमारे स्पिंडल का जो हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू का यहाँ से लेके यहाँ तक भी 45 mm है, तो मीन्स यहाँ पे ये फिट हो गया। फिर इसके बाद इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारी 9 प्लस 30, ठीक है, 9 प्लस 30 हमारी इसकी हाइट, और इसका डायमीटर 45 था, जो कि इसके इक्वल था यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट कितनी है, 9 प्लस 30 39 हो गई। तो हम यहाँ इस पॉइंट से 39 ऊपर तक मार्क कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमने ड्राफ्टर सेट किया और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया 39 तक, 39 हमने मार्क कर लिया। 39 मार्क करने के बाद ये हमारा मार्क पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो कप है उसका ऊपर का डायमीटर कितना, 65 mm है, तो 65 mm का हाफ हो गया 32.5 लेफ्ट साइड, 32.5 राइट साइड, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ मार्क किया, ये 65 mm यहाँ हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो मैं मिलाता हूँ डायरेक्ट, तो ये यहाँ ऐसे ड्रॉ हो गया। अब ऊपर वाली लाइन को इससे मिला देते हैं लाइट पेंसिल से, तो मैं मिलाता हूँ, तो ऊपर वाली लाइन को भी मैंने इससे मिला दिया, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कप है इसमें एक हाफ सर्कल बना हुआ है, जिसकी हमारी लेंथ यहाँ से मिल जाएगी 4.5, यहाँ से यहाँ तक 4.5 का रेडियस है इसका, ठीक है, और इसका जो टोटल है डायमीटर में हो जाएगा वो 9 mm का है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 9 mm हम इसमें मार्क करते हैं, और नीचे 4.5 mm, या फिर डायरेक्ट आप अगर 4.5 mm का एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दें, तो मैं हाफ सर्कल इस सेंटर से इसको सेंटर मान के 4.5 mm का हाफ सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कंपास की हेल्प से। तो हमने 4.5 mm का डाया खोल के सर्कल ड्रॉ कर दिया, और रेडियस खोल के हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा जो कप है उसका अंदर का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। आप एक नोट करने के बाद बताता हूँ, हम हैचिंग जो है हम इस साइड से कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइड को कर रहे हैं, तो कप में हमारी हैचिंग लेफ्ट साइड हुई है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं राइट साइड हैचिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये हैचिंग इधर नहीं होगी, जब हम असेंबली बना रहे हैं तो इस साइड होगी, ठीक है, तो हम इस साइड करेंगे।
जिस साइड आप पूरी हैचिंग कर रहे हो ना ड्राइंग, मेन ड्राइंग में, चाहे गिवन कुछ भी हो उससे नहीं लेना, हम जिस साइड हम हैचिंग कर रहे हैं उसी साइड हमें करना है, चाहे पार्ट्स में कुछ भी दिया हो, ठीक है, हैचिंग के लिए। अब तो मैं करता हूँ, अंदर का पार्ट ड्रॉ करेंगे, अंदर की यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट 9 mm है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 9 mm हम मार्क करेंगे। लेकिन एक और बात, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 10 mm थी डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स इससे 1 mm नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ लाइन, ठीक है। और उसका डाया एक, तो हमारा डाया एक का 25 है जो अंदर वाले का, इसी के इक्वल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे हो गया। लेकिन जो उससे एक बड़ा जो पूरा एंड तक है यहाँ से यहाँ तक की 37 mm है, ठीक है। तो मैं इसको रेफरेंस मान के 37 mm का डाया ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मतलब लाइन खींच देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो हमने 37 mm का डाया की लाइन खींच दी यहाँ से लेके यहाँ तक 37 mm, ठीक है, नीचे से यहाँ से 9 mm ऊपर है, ठीक है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये लाइन खींची है उसको हम ऐसे पहले इसके पैरेलल लेंगे लाइन ड्राफ्टर सेट करके, और जो हमने ये लाइन खींची है इसके एंड पॉइंट से इसे ऊपर तक मिला देंगे। सेम एज इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे और इसको ऊपर तक मिला देंगे, ठीक है। ड्राफ्टर हम फिर से दोबारा सेट कर लेंगे अपना इनिशियल पोजीशन पे। इसके बाद हाँ, एक और चीज़, जो ये गैप है ना इसमें 1 mm का, ये इसलिए होता है जब इसमें सेट स्क्रू फिट करते हैं ना, तो इसको गैप मिलना चाहिए, क्योंकि इससे सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक होता है, और दूसरा जब इसमें हम लोड डालते हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है, ठीक है, ज़्यादा इस पर लोड ना पड़े और ये लोड को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा हमने हमारा ये कप बनाया है, ये बन चुका है कप, इसमें असेंबल हो चुका है। अब इसमें हम इसकी हैचिंग कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन दिखा देता हूँ, हैचिंग यहाँ तक कर देते हैं 45 डिग्री पे सेट करके अपना ड्राफ्टर। तो ये हमारा कप का पूरा हो गया। अब इसके अंदर हम सेट स्क्रू वॉशल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट स्क्रू बनाएंगे। इसका डाया कितना, सेट स्क्रू का ये वॉशल होता है वो बनाएंगे। इसका डाया हमारा 35 mm का है, तो 35 mm का है, 35 mm इसमें मार्क करते हैं सबसे पहले। तो हमने 35 mm यहाँ पे मार्क किया इस पॉइंट पे, और इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ 10 mm तक का गैप था ना ये वाला, उस गैप में हमें सबसे उसके ऊपर वाली लाइन में हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने अभी मार्क कर रखा है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, 35 mm का हमारा डाया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 2.5 mm ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ से ये जो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है दोनों तरफ उतनी है, 2.5 mm हम यहाँ से ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करना है हमें, हमारा जो ये वार्शल है इसकी टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 6 mm है, ठीक है। तो हम इसकी इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर 6 mm मार्क करते हैं सबसे पहले। तो हमने ड्राफ्टर सेट किया इसके लिए, और फिर 6 mm पे हमने यहाँ मार्क लगाया और एक हल्का मार्क दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वार्शल है उसका इंटरनल डाया कितना दिया हुआ है, इंटरनल डाया 13 mm का है, ठीक है। तो जो हमारे ये रेफरेंस पॉइंट है इससे 13 mm का डाया ड्रॉ करते हैं, मीन्स 6.5 लेफ्ट साइड 6.5 राइट साइड ड्रॉ करेंगे तो हमारा 13 mm का डाया हमें मिल जाएगा, है ना। तो इसको हमने मार्क किया सबसे पहले और 13 mm पे, और फिर इसको ऊपर तक हमने ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट से भी हमने इसे ड्रॉ किया, ठीक है, इससे हमने ड्रॉ किया और इसको इससे मिला दिया ऊपर, तो हमारा ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया 6 mm का, और इसके बाद हमें क्या करना है देखेंगे, जब ये जो अंदर वाला डायमीटर हमारा 13 mm का, यहाँ से स्टार्टिंग में 45 mm का एंगल है इस पॉइंट से, और प्लस और हमारा जो एंगल है हमारा इस पॉइंट से भी है, ठीक है, यहाँ से भी हमारा 45 डिग्री का है। यहाँ पे आप ऊपर से आप देख रहे हैं, लेकिन ये नीचे से भी 45 mm का ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 45 mm का हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने D यूज़ किया और यहाँ पे रखा, ठीक है,
स्टेट गया, और 45 में हम कहाँ पे आया इसका 50, ये 45 का यहाँ आ गया, एक मार्क कर लिया हमने ठीक है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से हम कर लेते हैं मार्क, ये हमने 45 एमएम का यहाँ से भी मार्क कर लिया ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें हमारा एक और जगह एंगल है जो हमारा ये बाहर वाला डायमीटर है, हमने ऊपर तक जहाँ से ड्रॉ किया है इस पोजीशन से, ये जो हमारी पोजीशन गई है ये वाली पॉइंट है, यहाँ से इसको भी हम 45 डिग्री ऊपर एक्सपेंड करेंगे। कैसे, ये पॉइंट हमने लिया ठीक है, उसके स्टेट से ही हमें 45 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ से 45 डिग्री मार्क किया, इस वाले पॉइंट से मार्क किया हमने ठीक है, याद रखना। और फिर इस वाले पॉइंट से भी, जो उसका सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट से भी हमने 45 डिग्री मार्क कर लिया। अब मार्क करिए वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को पहले वाले से मिलाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना ठीक है, थोड़ा सा करना फिर लाइट पेंसिल से। फिर इस वाले पॉइंट से जो हमने यहाँ पे हमने मिलाया था, ये वाला पॉइंट था हमारा है ना, तो इसको मिलाया ठीक है। और फिर सेम है, हमने इस वाले पॉइंट से जो ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसको यहाँ ड्रॉ किया, और इस वाले पॉइंट से जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था ये वाला, इसको यहाँ ड्रॉ किया ठीक है। अब इसके बाद जो ये पॉइंट हमें मिले हैं, उसको जो 6 mm वाली हमारी ये लाइन है, इस पे रख के हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्टली, तो हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे, जो ये लाइन हमें मिली है इसको डार्क कर देते हैं, और इसको डार्क कर देते हैं, तो हमारा ये वॉशल बन गया, ये वॉशल हमारा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सेट स्क्रू फिट करेंगे। तो सेट स्क्रू फिट करने के लिए, जो सेट स्क्रू का ये डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के इक्वल हो गया ठीक है, और जो इसके टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 8 mm है, और जो हमारा वॉशल है उसकी ये 6 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm है, तो मतलब 2 mm हमें ऊपर लाइन खींचनी है सबसे पहले इस पॉइंट से, यहाँ से खींच देता हूँ 2 mm ऊपर, और यहाँ से 2 mm ऊपर, और फिर इसको मिला देता हूँ मैं डायरेक्ट ठीक है। तो यहाँ से 2 mm ऊपर खींच दी, और यहाँ से 2 mm ऊपर खींच के ड्रॉ कर दिया, सेट स्क्रू का हेड हो गया हमारा ठीक है, और बाकी हेड हमारा ये अंदर तक है ठीक है, इसे अंदर तक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका ये लेंथ है, इसके बाद हेड के बाद ये 25 mm की है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से ठीक है, तो इसको हम 25 mm एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले नीचे, जिसका डायमीटर हमारा 12 × 1.5 का है ठीक है, थ्रेड 1.5 में कटा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 13 mm की है, तो 12 mm का खींचने के लिए इसमें हल्का हल्का गैप देना होगा, या इस पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है। तो मैं सीधा इसी लाइन पे, जो हमारी ये लाइन है, इसके स्ट्रेट ही ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम ड्राफ्टर से 1 mm का गैप लेंगे तो वो 1 mm के हाफ का गैप लेंगे तो वो सही से बन नहीं पाता ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने 25 mm नीचे ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट से 25 mm नीचे कर दी। अब जो इसमें हमारा वो बनता है पार्ट, उसको हम ऐसे ही मेंशन कर देते हैं ठीक है, जो हमारा ये नीचे से यहाँ तक का पार्ट होता है ये यहाँ से ठीक है, इसका मैंने यहाँ मार्क किया, इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 mm के गैप का दोनों तरफ थ्रेड दिखा देता हूँ मैं डायरेक्ट ठीक है। तो इसमें हमारा स्क्रू सेट स्क्रू भी हमारा फिक्स हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इस पे जो हमारा स्क्रू लगा है बड़ा वाला, ये तो सेट स्क्रू है, इसकी हम हैचिंग कर देते हैं ठीक है, इसकी हैचिंग पूरी तरह नहीं करेंगे हम, इतनी दूरी में ही कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हैचिंग कर देते हैं, ये मैंने कट निशान लगा दिया ताकि पूरी तरह हैचिंग ना करनी पड़े ठीक है। तो मैं इसको हैचिंग करता हूँ 45 डिग्री पे सेट करके, एंगल 45 डिग्री पे सेट किया, इसको हैच कर देता हूँ यहाँ से इस पोजीशन से ऐसे, फिर इसको ऐसे 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 करके यहाँ तक पूरी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये स्क्रू जैक की असेंबली थी ये पूरी बन चुकी है, बस इसमें हमें
ये हैंडल फिट करना है, ठीक है। तो हैंडल की लेंथ कितनी है, 65 mm है, उसका डाई कितना है, 12 mm का है, ठीक है। मीन्स जो हमने यहाँ पे सेंटर पहले ले रखा था उसको 12 mm का डाया ड्रॉ करेंगे, मतलब 6 mm नीचे 6 mm ऊपर, तो 12 mm का डाया हो जाएगा। और जो हमारे स्क्रू जैक का ये स्क्रू था, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी थी, इसकी भी डिस्टेंस 65 थी। मीन्स जो हमारा हैंडल है, ये जो 12 का डायमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इतना ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 mm मार्क किया सबसे पहले, और फिर इसको 65 mm यहाँ तक पूरा ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 65 mm, ठीक है। अब इसके बाद जो बाहर हमारा बाहर का डायमीटर है वो कितना है, 20 mm का है, ठीक है। तो मीन्स इससे हमारे यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। इसके बीच में मीन्स इसके बीच में जो हमारे ऐसे एंगल है इस पॉइंट से, वो 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 डिग्री का है। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से 45, तो ऐसे ही कर लें, या फिर यहाँ से 5 mm का गैप लेके 20 डाया का एक डायमीटर ड्रॉ करें सबसे पहले। तो सबसे आसान तरीका यही है, हम यही ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले 5 mm मार्क करते हैं, 5 mm ने मार्क किया। अब इसको 20 का डायमीटर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमने 20 का डायमीटर लिया, क्योंकि हमारा ये बड़ा वाला डाया 20 mm का है, ठीक है। और इसको आगे तक बढ़ाया, और थोड़ी दूर में बीच में ब्रेक किया, और यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है। सेम है, हमने इस साइड भी किया, यहाँ तक ऐसे किया और ब्रेक के बीच में, और इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद क्या किया, हमने जो एंड वाला था इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, और जो ये बीच वाला था इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, और इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, बीच में ब्रेक दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। और इसको डी की हेल्प से, या फिर किसी डी की हेल्प से इसको हमने थोड़ा कर्व शेप दे दिया, जो हमारा ऐसा एंगल था ये ड्रॉ हो गया, ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला देते हैं, हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया। तो हमारी ये जो असेंबली थी ये रेडी हो गई। इसकी डाइमेंशनिंग दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस हैंडल की डाइमेंशनिंग दिखा दी, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्रू जैक, इसकी पूरी असेंबली। और हाँ, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये स्पिंडल था, इसमें हमने ऐसे ऐसे निशान है, इसमें हमने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किए, ये जो ये साइन होता है माइल्ड स्टील को दिखाने का, इसीलिए हमारा हैंडल भी हमारा माइल्ड स्टील का है, इसीलिए हैंडल भी इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, ऐसे डिजाइन में। तो ठीक है, तो मैं इसकी टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसकी टेबल है या मटेरियल चार्ट है। फर्स्ट में कास्टिंग है, जो मेन बॉडी है कास्ट आयरन की है, एक है और नट है गन मेटल का, स्पिंडल है माइल्ड स्टील का, कप है कास्ट आयरन का, वॉशर है हमारा माइल्ड स्टील का, सेट स्क्रू माइल्ड स्टील, और हैंडल हमारी माइल्ड स्टील की है। जो हमारा स्पिंडल है इसे हमने मेन स्क्रू भी हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हमारी स्क्रू जैक की असेंबली, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आगे और भी वीडियो के लिए। थैंक यू।